राहुल गांधी वर्से अमित शाह पर बोले, भारत में अनेक भाषाएं उसकी कमजोरी नहीं। नमस्कार, हिंदी पर जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत में अनेक भाषाएं उसकी कमजोरी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 23 हिंदी भाषाओं का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उड़िया, मराठी, कन्नड़, हिंदी, गुजरात, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, आसामी, बोडो, डोगरी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, कश्मीरी, सिद्धी, स्थाली और मणिपुरी का जिक्र किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर कहा था कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, हमारे यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दुनिया में देश का नाम बुलंद करे और पहचान को आगे बढ़ाए, और हिंदी में ये सभी खूबियां हैं। अमित शाह ने इस बयान पर विवाद हो गया। गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी पर दिए गए बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश का एक बड़ा तबका हिंदी विरोध में खड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर AIMIM चीफ असैरुद्दीन अवैसी, दक्षिण भारत के कई नेताओं ने शाह के बयान के खिलाफ विरोध जताया है। असैरुद्दीन अवैसी ने कहा था, हिंदी हिंदू और हिंदुत्व से काफी बड़ा है। उन्होंने कहा, हिंदी हर भारतीय का मातृभाषा नहीं है। क्या आप इस देश की कई मातृभाषाएं होने की विवादिता और खूबसूरती की प्रशंसा करने की कोशिश करेंगे? कहीं यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि संविधान का अनुच्छेद 29 हर भारतीय को अपनी अलग भाषा और संस्कृति का अधिकार प्रदान करता है। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर हम एक ही भाषा लागू करना चाहेंगे तो संभव है कि लोगों को ये बात स्वीकार ना हो और दरारें पड़ने लगे। वही अमित शाह ने जो कहा उसके जेडीयू ने भी अपने अंदाज में समर्थन किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि हम हिंदी को थोपना नहीं चाहते मगर उसकी स्वीकारिता बढ़ाना चाहते हैं। वही सोमवार को ट्वीट पर एक वीडियो जारी करते हुए कमाल हासन ने कहा कि कोई शाह, सुल्तान या सम्राट अचानक वादा नहीं तोड़ सकता है। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो वह वादा किया गया था कि हर क्षेत्र की भाषा और कल्चर का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा।